आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सेमी फॉर्मल पार्टी वेयर इवनिंग वेयर के हवाले से बहुत सारे ड्रेस डिजाइनिंग आइडियाज, सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड यू आर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत खुश होंगे, लेकिन अगर अब तक आप मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बन सके हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए, ताकि इस प्यारी सी फैमिली का आप हिस्सा बन जाएं और मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज जो है वो मैं आपके साथ कुछ अपने वार्डरोब से मेरे वार्डरोब में बेसिकली ब्लैक कलर बहुत मेरा वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स, तो ब्लैक कलर की बहुत सारी कलेक्शन है, तो मैंने सोचा आज कुछ डिफरेंट डिफरेंट ब्लैक कलर के आपके साथ अपने वो आउटफिट्स में शेयर करूँ, जिससे आपको कुछ ड्रेस डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ मिलें। क्योंकि अब शादियों का सीज़न भी शुरू हो रहा है और ईद भी करीब करीब है और बच्चों की छुट्टियां भी शुरू होने वाली हैं। जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो माएँ बड़ा सुकून से फिर ज़रा सांस लेती हैं और फिर उनकी अपनी किटी पार्टीज़ और उनकी अपनी गैदरिंग और गेट टुगेदर्स और सारी चीज़ें शुरू होती हैं, आना जाना, मिलना मिलाना। और शादियों के सीज़न की वजह से भी हमें बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और ब्लैक कलर एक ऐसा सेफ़ कलर है जो आप कभी भी कहीं भी पहन सकते हैं, हर किसी पर सूट करता है वो ब्लैक कलर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज। अच्छा, बाय द वे, एक ये इस वीडियो के बनाने का जो एक आइडिया था वो ये था कि मैंने एक मॉर्निंग शो में एक कपड़े पहने थे और वो उसकी आप लोगों को बहुत अच्छे लगे थे और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे इंस्टाग्राम पर भी। मेरा जो फेसबुक अकाउंट है गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल, तो वहाँ भी आप फरमाइश करते हैं कि गज़ल आपको ये कहाँ से लिया, कौन सा ब्रांड है। तो मैं बता दूँ कि मेरे ज़्यादातर कपड़े जो है ना वो ब्रांडेड नहीं होते हैं। हाँ, मैं ब्रांडेड कपड़े बिल्कुल पहनती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं पहनती, लेकिन वो पहनती हूँ जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ सेल में मिलते हैं, अच्छी प्राइस पर मिलते हैं, मेरे लिए बजट फ्रेंडली होते हैं और कभी कभी मतलब कि उसकी प्राइस ऐसी होती है कि मुझे लगता है कि हाँ यही चीज़ अगर आप बनवाने जाएं बाहर मार्केट में और टाइम एनर्जी ज़रा ये सारी चीज़ें भी काउंट करती हैं, तो वो अपनी जगह पर है। वो भी कपड़े कभी कभी ले लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली जो आने जाने के लिए कपड़े होते हैं नॉर्मली, तो वो मैं जो है वो अपने सिलवाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कपड़ों को डिज़ाइन करना और सिलवाना खुद से। उसके लिए जो है थोड़ी सी इंस्पिरेशन चाहिए होती है, थोड़ी सी कहीं से कोई आइडिया मिल जाता है, उसमें फिर आप अपनी पसंद नापसंद को शामिल करते हैं कि भाई ये कलर अगर इसके साथ मुझे ये कलर सूट नहीं करता या मुझे कलर अच्छा नहीं लगता तो मैं इस कलर के साथ ये चीज़ लगाऊं, या इसका जो कट है अगर उसको मैं अपने बॉडी शेप के हिसाब से कट कर सिलवाऊँ तो मुझ पर ज़्यादा सूट करेगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे बड़ा वो होता है कि मैं मुझे अच्छा लगता है, आई डोंट नो समहाउ मुझे अपने कपड़े बनवाना अच्छा लगता है। तो बहरहाल मैं कुछ अपने कपड़े आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और उससे हो सकता है कि आपको कुछ आइडियाज़ मिलें। अच्छा, आजकल जो है वो सीज़न गर्मी आने वाली है तो शिफॉन और लाइटर जो फैब्रिक है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो मैं सबसे पहले तो मैं अपना जो इस वक्त मैंने पहना हुआ है वो मैं आपको दिखाती हुई चलूँ। बाय द वे, सारे वो कपड़े हैं जिनमें ब्लैक कलर है, क्योंकि सारी ब्लैक की जो वो कलेक्शन जो कैजुअल से हटके थी वो मैंने आज सारी अपनी निकाली है। तो और भी बहुत सारे हैं, आईना वीडियो में शेयर करूँगी किसी में, लेकिन ये कुछ कपड़े ऐसे थे कि मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूँ, जो कि ईजिली बन सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप उसको क्रिएट कर सकते हैं अपने आइडिया से। अच्छा, ये मेरा जो है इस वक्त जो मैंने आउटफिट पहना हुआ है ये थोड़ा सा आप फॉर्मल तो नहीं है, ऑब्वियसली सेमी फॉर्मल या एक इवनिंग वेयर के तौर पे आप इसे पहन सकते हैं। सिल्क जो कि पॉलका डॉट ब्लैक कलर का, ब्लैक एंड वाइट, हाँ ब्लैक पर वाइट पॉलका डॉट्स। इसमें सिर्फ शर्ट के लिए मैंने ये पॉलका डॉट का कपड़ा यूज़ किया है और इस पर मैंने स्लीव्स नेट के लिए हैं, थोड़ा सा एक उसमें क्रिएट करने के लिए। थोड़ा सा प्लेन कपड़े मैं पहनती हूँ नो डाउट, लेकिन मुझे कपड़े नॉर्मली वो पसंद हैं जिन पर कुछ ना कुछ कोई काम हो, कोई ऐसा कोई कोई चीज़ हो जो एक फोकल पॉइंट हो। तो मुझे ये कपड़ा जो है एक पीस मुझे ज़ैनब मार्केट से मिला था, कराची की ज़ैनब मार्केट से, बहुत आराम से आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं। तो वो मैंने छोटा सा एक कपड़े का पीस था मेरे पास, वो मैंने लगाया और उसी से इंस्पायर होके इनके कलर से फिर मैंने ये दुपट्टे में जो है वो टाई एंड डाई दुपट्टा करवाया और दुपट्टे के चारों तरफ जो है वो मैंने ये पॉलका डॉट का कपड़ा जो है शर्ट का वो लगवा लिया और साथ ही जो है वो इसके अंदर स्लीव्स में जो बॉर्डर पर, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही कपड़ा था, उससे ज़्यादा नहीं था कि मैं स्लीव्स में लगवाऊँ, तो मैंने इसकी मैचिंग का जो है वो अंदर से कपड़ा लगवा लिया, तो एक थोड़ा सा टच आ गया इसके स्लीव्स के अंदर। अब मैं आपको पूरी लुक दिखाती हूँ उस ड्रेस की, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो ये सिल्क का इसका ट्राउज़र है और चाहें तो आप इसको लॉन्ग लेंथ में भी बनवा सकते हैं। तो ये ब्लू शेड्स की जो कलर्स हैं उसकी एम्ब्रॉयडरी जो पैचवर्क है उससे इंस्पायर्ड ये पूरा सूट है। अच्छा, बहरहाल तो ये फर्स्ट मेरा आउटफिट आपने देख लिया
अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो मेरी डमी फ्रेंड है उनको मैंने पहनाया हुआ है अपना। ये एक थोड़ा सा आप इसको सेमी फॉर्मल कह सकते हैं, इनफैक्ट आप थोड़ा सा वेडिंग में अगर आप कहीं जाना चाहें शादियों में तब भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि जब गर्मियों का सीज़न आता है तो जो सिंथेटिक कपड़ा होता है वो थोड़ा सा मतलब कि सीज़न फ्रेंडली नहीं होता। तो बहरहाल कॉटन पर मैंने इसे बनवाया है। ये सारा खादी का कपड़ा था, इस पर ये छोटे छोटे मोटिव्स नज़र आ रहे हैं आपको, एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स। तो उस पर मैंने थोड़ा सा सोचा कि बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो, सटल कलर्स हों, ऐसे हों जो इसकी प्रिंट को भी इन्हांस करें और अच्छे लगें इसके साथ। तो मैंने बहरहाल ये आगे से फ्रंट ओपन है ये शर्ट, और सिर्फ बॉटम में इस तरह से ओपन है, लॉन्ग्स के साइड्स ओपन हैं, और बहुत ही स्ट्रेट कट के साथ मैंने बनवाया है। इस पर ट्राउज़र आपको नज़र आ रहा है, ट्राउज़र जो है वो ब्राउन कलर का ट्राउज़र है। आप चाहें तो इस कलर का ब्लैक भी ट्राउज़र पहन सकते हैं। और दुपट्टा जो है उस तरह से मैंने टाई एंड डाई दुपट्टा कराया है, और उसकी बॉर्डर पर मैंने यही कपड़ा जो है वो शर्ट वाला कपड़ा इस पर लगा लिया है, ठीक है। और इसकी कॉलर पर काम है, तो बड़ा प्यारा एक इसकी बहुत प्यारी स्ट्रेट कट में ये मैंने बनवाया है, और इसका जो ट्राउज़र है वो बिल्कुल स्ट्रेट कट के हैं। बड़ा अच्छा एक एलिगेंट लुक आती है इसकी। आप चाहें तो कॉटन पर भी अपनी हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं, गर्मियाँ आ रही हैं, और तो और लाइटर कपड़े तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो बहरहाल ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह की मेरा सारा ये है। कि ये मोटिव्स के साथ साथ इसके ओपन है फ्रंट से, और ये दामन में देखें सारा काम है। तो आप इसे शादियों में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इनफैक्ट ईद पर भी इसे पहन सकते हैं अगर किसी दावत में जाना हो तो। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको अपना तीसरा आउटफिट, जो कि मैंने एक मॉर्निंग शो में पहना था। बड़ी फरमाइश आई थी कि गज़ल आप हमें बताएं कि ये आपने कहाँ से लिया। मैंने कहीं से नहीं लिया, ये मैंने अपने टेलर से सिलवाया, बहुत ही सस्ता सा शिफॉन टाइप का जो है वो जॉर्जेट आता है, तो वो लिया था मैंने, बहुत ही सॉफ्ट सा। उसके अंदर मैंने लाइनिंग डलवा दी थी कॉटन की, और ये जो है वो अगेन ये कपड़ा है, ये एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये कपड़ा है। और इस पर बिल्कुल लाइटर जो है वो स्लीव्स भी देखें, इस तरह की स्लीव्स हैं इसकी बड़े मज़े की। और कपड़ा मैंने प्रिंटेड कपड़ा इस पर लगवाया है, और कपड़ा जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ पर मैंने एक डायमंडीज की एक पूरी एक स्ट्रिप जो लेस होती है वो लगवा ली है, तो आप ये देख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है वो स्टाइल इस तरह का है कि इसमें पूरे फ्लेयर है इसकी शर्ट में, और मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। ये देख सकते हैं पूरी फ्लेयर है इस शर्ट के अंदर, और इसका जो वो है बॉर्डर है उस पर भी मैंने कपड़ा लगवा लिया है। स्लीव्स जो हैं इसकी बड़े मज़े के स्लीव्स हैं, सिल्क में जो है वो बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स आते हैं, आप सिल्क और शिफॉन को साथ बहुत अच्छे तरीके से मिलाकर बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब एक और मैं अपना ब्लैक कलर का दिखाती हूँ आउटफिट, जो कि बहुत प्लेन है लेकिन इस पर थोड़ा सा काम है, बड़े मज़े का डल सा गोल्ड सा, और ये इसको भी मैं यहाँ रख दूँ ताकि आप आराम से देख सकें। एंटीक ब्रॉन्ज कलर के बटन्स हैं, और उस पर थोड़ा थोड़ा सा मोतियों का काम है, थोड़ा पर्पलिश इस पर काम है। इसका जो कॉलर है वो बहुत मज़े का है, इसकी शर्ट की जो है जो स्लीव्स हैं उस पर भी एक छोटा सा मोटिव बना हुआ है, और इसके पीछे भी, ये शर्ट के पीछे भी एक मोटिव बना हुआ है, तो ये भी मोटिव आप देख सकते हैं पीछे। और इसके अलावा ट्राउज़र इसी कलर का है, ब्लैक कलर का स्ट्रेट ट्राउज़र है, और ये दुपट्टा, ये देखें दुपट्टा इसका इस तरह का है। आप अगर एम्ब्रॉयडरी ना करवाना चाहें तो इस तरह के बने बनाए मोटिव्स भी मिलते हैं, वो भी लगा सकते हैं। अब एक और आउटफिट दिखाती हूँ, वो भी बहुत मज़े का है, और वो देखें, ये भी मैंने जो है वो इसी तरह का जैसे मैंने पहना हुआ है पैचवर्क, इसी तरह का मैंने एक पैचवर्क लिया था। तो ये जो है वो आप देख सकते हैं कि इसमें ब्लैक एंड वाइट का और थोड़ा सा कलर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, मैंने यहाँ रख दूँ मैं यहाँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। अच्छा, इस पर मैंने ये पैचवर्क तो है एम्ब्रॉयडर्ड पैचवर्क, और उसके साथ मैंने रॉ सिल्क यूज़ किया है पर्पल कलर का, और शिफॉन की स्लीव्स हैं, और स्लीव्स देखें इस तरह से बहुत ही खुली खुली सी हैं, क्योंकि ज़रा गर्मियां हैं तो गर्मियों में हम बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहन सकते, और आप लेसेस लगा सकते हैं इस पर, आप चाहें तो शर्ट का जैसे कपड़ा मैंने यूज़ किया है वो लगा सकते हैं।
अब इसके अलावा एक और मेरी शर्ट है ऐसी, जिस पर मैंने ये देखिए ये ब्राउन्स कलर की जो एम्ब्रॉयडरी है इस पर भी ब्लैक कलर का ट्राउज़र है, बिल्कुल प्लेन ट्राउज़र है इसके पूरे कॉलर पर, और इस तरह से इस पर काम है। और ये देख सकते हैं आप, एम्ब्रॉयडरी करवा सकते हैं आप, लाइटर सा कोई फैब्रिक लेके करवा सकते हैं। सॉरी, इसकी जो आयरन जो है इस्त्री इसकी सही तरह से नहीं हुई है, इस वजह से आपको इसकी पूरी प्रॉपर लुक नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये फ्रंट से पूरा ओपन है और इसको मैं ब्लैक ट्राउज़र पे पहनती हूँ प्लेन। अच्छा, ये जो शर्ट्स होते हैं ना, ये भी बड़े काम के होते हैं। आपने अंदर से छोटी सी शर्ट बनवा ली, कोई प्लेन मतलब कि ट्राउज़र और शर्ट बनवा के उसके ऊपर आपने हल्का सा लॉन का कोई शर्ट बना लिया, कुछ आपने शिफॉन का पहन लिया, तो उसमें ये होता है कि समटाइम्स हमारी जो बहुत सारे लोग कॉन्शियस होते हैं अपनी फिगर के हवाले से, तो वो भी बिल्कुल पता नहीं चलता है, बिल्कुल ढक जाता है, तो उन लोगों के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं श्रग्स। जिस तरह से ये एक मेरा आउटफिट है, ये बिल्कुल प्लेन शिफॉन की इस पे स्लीव्स हैं और बहुत ही लाइटर कपड़े से बिल्कुल सिल्क का ये जो है वो सूट है अंदर, और इस पर जो है मैंने ये श्रग पहन लेती हूँ मैं ऊपर से, और साथ में जो है वो ये मैं आपको दिखाऊं, ये सिल्क का है, आप चाहे तो लॉन का बना सकते हैं अंदर से, छोटा सा आप शॉर्ट रखें लेंथ शर्ट की और स्ट्रेट ट्राउज़र रखें, ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है तो मुझे समर के लिए बहुत ये आइडियल रहता है मेरे लिए, लेकिन अदरवाइज़ आप अपनी चॉइस का कोई सा भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए ये तो मैंने नेट का बनाया है, आप शिफॉन का बना सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने लेस लगवाई है, ये पूरी कम्प्लीटली पीछे तक जा रही है पूरी लेस, और कोई सी भी आप खूबसूरत सी लेस लगा सकते हैं, कोई फैब्रिक का कोई जो प्रिंटेड है वो लगा सकते हैं आप प्लेन पर, और साथ में अपनी टसल लगा लिए तो बहुत एक अच्छी सी एक श्रग जो है वो बन सकता है आपका बहुत आसानी के साथ। अगर आपको कम्प्लीटली वो पूरा एक ब्लैक लुक पसंद नहीं तो आप ब्लैक एंड वाइट के साथ ये टच दे सकते हैं उसको। ट्राउज़र इसका ब्लैक है, इसके नीचे शर्ट ब्लैक है, और ये ऊपर से जो है वो इस तरह का ओपन लॉन्ग एक गाउन स्टाइल का जो है, तो इस पर अगर आपको ये लगता है कि ये प्लेन है तो इस पर ये ज्वेलरी इस तरह की पहन सकते हैं, किसी भी तरह की आप बहुत सारी ज्वेलरी पहन सकते हैं इस पर, और इस पर बेल्ट पहन सकते हैं आप कलरफुल से। अच्छा, इसके साथ जो है वो ब्लैक कलर की मैंने शॉर्ट लेंथ की एक शर्ट बनवाई है, और इस पर आप बहुत सारी डिफरेंट कलर की कलरफुल ज्वेलरी के साथ आप इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं, और फ्रंट से पूरा ओपन है, साइड से भी ओपन है ये, तो बहुत लाइटर सी फीलिंग देता है, और क्योंकि शिफॉन है बहुत ही थिन सा फैब्रिक है तो बहुत अच्छा रहता है समर के लिए। और इसके साथ मैं एंकल लेंथ की जो है वो पैंट्स पहनती हूँ इस पर, क्योंकि समर है तो उसके लिए बहुत ही आइडियल रहता है ये। और सबसे आखिरी ये आउटफिट मेरा बहुत ही कलरफुल सा, बहुत मज़े का, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, मैं आपको दिखाऊं यहाँ रखकर। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हैं इस पर पूरा बीड्स का काम हुआ हुआ है, और शलवार इस पर प्लेन शलवार के साथ मैं पहनती हूँ। ठीक है जी, ये इसकी शलवार है, प्लेन शलवार के साथ मैं इसको नॉर्मली पहनती हूँ प्लेन दुपट्टे के साथ। इसकी वजह यह है कि इस पर काम जो है वो बहुत ही कलरफुल सा काम है, तो अगर शलवार में कोई कलर होगा या दुपट्टे में कोई कलर होगा तो इसका पूरा लुक ख़राब हो सकती है, क्योंकि ये फोकल आपका जो अटेंशन जो है वो सारी इस काम पर जा रही है। बहरहाल, कपड़ों पर मैं ये सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो बदलते रहना चाहिए, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और फैशन चेंज होता रहता है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमें एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हम वो चीज़ें पहनते हैं या पहननी चाहिए जो जिसे हम बहुत ईजीली कैरी कर सकें। तो मुझे ये बहुत पसंद है, मेरी पसंद है, हो सकता है कि आपको पसंद आए, या मे बी बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को पसंद भी आए, तो लेकिन पसंद आए या ना आए लेकिन मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप कोई अच्छी सी डिज़ाइन क्रिएट करें तो गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मैं बहुत जल्द मिलूंगी एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं लेकिन भूल गए हैं, तो जल्दी से कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी क्लिक कीजिए, और अब आप मुझे यूट्यूब के साथ साथ गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल फेसबुक इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं।